हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिस सोन। आज मैं आपके लिए नवरात्रि स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो नवरात्रों में भी ठंडा ठंडा कुछ पीने को मन तो करता ही है, तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ठंडी ठंडी रेसिपी। सबसे पहले हम पपाया शेक बनाते हैं। पपाया शेक बनाने के लिए हमने पपाया को काट कर उसके पीसेस कर लिए हैं। एक गिलास मैंने दूध लिया है, शुगर लिया है, आइस क्यूब्स लिए हैं। पपाया शेक बनाने के लिए हम एक मिक्सर जार में पपाया के पीसेस जो हैं उसे डाल देंगे और उसमें मैं डालूंगी एक शुगर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने 3 टेबलस्पून लिया है, आप इससे ज़्यादा या कम भी ले सकते हैं। अभी मैं इसमें हाफ ग्लास मिल्क ही डालूंगी और इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। मैंने हाफ ग्लास मिल्क इसलिए डाला है कि जो पपाया के जो पीसेस हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, बिल्कुल मिक्स हो जाए बीच में, ताकि जो शेक में जो है वो पीसेस ना आए आपके मुँह में। पपाया के पीसेस अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं, इसमें मैं आइस क्यूब्स डालूंगी और ऊपर से हाफ ग्लास मिल्क जो बचा कर रखा था वो भी डाल दूंगी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। मैं इन शेक्स में कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि नवरात्रों में कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो ये ऐसे ही आपको जो नेचुरल कलर है इसका बहुत अच्छा आएगा। हमारा पपाया शेक रेडी हो चुका है, इसे हम ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी शेक। स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए मैंने स्ट्रॉबेरीज ली हैं थोड़ी सी, एक गिलास मैंने दूध लिया है, थोड़ा सी शुगर ली है और आइस क्यूब्स लिए हैं। स्ट्रॉबेरीज को हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें मैं थोड़ी सी शुगर डालूंगी, जितना मुझे ज़रूरत है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। मैंने 3 टेबलस्पून शुगर लिया है, हाफ ग्लास मिल्क डालेंगे और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। इसमें भी मैंने हाफ ग्लास मिल्क ही डाला है पहले, ताकि जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, उसका जो स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, ताकि शेक का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आए। अब हमारी जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं, इसमें मैं आइस क्यूब्स डालूंगी और जो बचा हुआ हाफ ग्लास मिल्क है वो भी डाल दूंगी और फिर इसे दोबारा से ब्लेंड करते हैं। अब हमारा ठंडा ठंडा स्ट्रॉबेरी शेक रेडी है, इसे हम ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए कलर कितना अच्छा आया है इसका, बिल्कुल नेचुरल कलर है। पपाया और स्ट्रॉबेरी शेक दोनों ही रेडी हो चुके हैं। ऊपर से मैं इनको गार्निश करने के लिए छोटे छोटे पीसेस डाल दूंगी। मैंने पपाया के पीसेस कर लिए हैं छोटे छोटे, ये देखिए मैंने डाले हैं, और स्ट्रॉबेरी के भी छोटे छोटे पीसेस जो हैं ऊपर से हम गार्निश कर देंगे उनको। अगर आप वैसे ही इसको बना लें, नवरात्रों के लिए नहीं बना रहे हैं, तो इसमें आप वनीला आइसक्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऊपर से मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने बादाम से इसको गार्निश किया है, आप पिस्ता ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा कलर भी आया है और देखते ही पीने का मन करता है। अगर आपको मेरी ठंडी ठंडी नवरात्रि स्पेशल रेसिपी अच्छी लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।